अच्छा ये लफ्ज लोग सहाबा बोलते हैं, सहाबा लफ्ज नहीं, लफ्ज सहाबा है, स्वाद के नीचे जेर है। अब कई ऐसे जाहिल किस्म के लोग हैं, वो हमारी भी यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये सहाबा को सहाबी क्यों बोल रहे हो, अल्लाह के बंदो ना तुहानू अरबी आंदी है ना तुहानू दीन दी उसने डिटेल्स ने। आप ये करने के बजाय ये पूछ लें कि लफ्ज क्या सही है। एक वो जिस तरह पंजाबी कहने एक गरीब उतु बदतमीज, एक इल्म नहीं है ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल, क्या आप सहाबा को सहाबी क्यों बोलते हैं, ये तो गलत है भाई, आप गलत बोल रहे हैं। लफ्ज सहाबा है, स्वाद के नीचे जेर है, सहाबा ठीक है, सहाबा लफ्ज नहीं है। ठीक हो गया जी। अजीजा ने करामी, जैसा कि अभी आपने समाप्त फरमाया, इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने पूरे उलमा जो इस उम्मत के उलमा हैं तमाम को गलत साबित करते हुए और अपनी एक नई तहकीक उम्मत के ऊपर थोपते हुए और अपने सामने जो बैठे हुए लोग हैं इनके दिमाग के अंदर खलश डालते हुए और इनके ऊपर अपने बातिल इल्मी रोम डालते हुए इस नई तहकीक इसने साबित की है। वो क्या कि इसने कहा है कि लफ्ज जो सहाबा है ना, ये सहाबी की जमा जो सहाबा लफ्ज है ये गलत है, बल्कि क्या है सिहाबा है, यानी स्वाद के कसर के साथ है, स्वाद के जबर के साथ, ये गलत है। अब आप और बात समझे जरा इसको कि हालांकि होना तो यूं चाहिए था कि इंजीनियर साहब को दलील देते लेकिन इसने कोई दलील नहीं दी, और असल बात यह है कि ये लफ्ज सहाबा और सिहाबा दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पढ़ा जाता है, लेकिन अक्सर ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो स्वाद के जबर के साथ सहाबा ही इस्तेमाल होता है। जिसको इंजीनियर गलत कह रहा था वो लफ्ज सही है, लेकिन अगर किसी ने सिहाबा भी पढ़ लिया तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी इस्तेमाल है और अदब के अंदर ये भी आता है। अब आइए हम आपको दलील के साथ ये बात बताते हैं कि लफ्ज ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है, अक्सर जो इस्तेमाल होता है वो सहाबा ये इस्तेमाल होता है जिसको इंजीनियर गलत कह रहा था। अरबी अदब की किताब है लिसानुल अरब, अब लिसानुल अरब जो किताब है इसके अंदर मुसन्निफ ने इसी लफ्ज लफ्ज सहाबा की लफ्ज सहाबी की जो जमा है इसके औसान बयान करते हुए कुछ इस तरीके से बयान किया है कि सहाबी की जो जमा है वो इस तरह की, इसके औजान ये आए हैं कि असहाब, असाहिब, सुहबान, सिहाब, साहब, और फिर इसके बाद सहाबी आया और सहाबा भी आया, यानी दो लफ्ज मुकर्रर इसने बयान करके ये बात बताई है कि इसके दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है। फिर आगे जो इसने अपने कमेंट्स इस लफ्ज के ऊपर यानी सहाबा है या सिहाबा है इसके ऊपर जो अपनी वजाहत की है ना, वो वजाहत बड़ी तहकीक है, उसको जरा गौर के साथ समझे। मुसन्निफ ने कहा है वह अक्सर नास ये अलल कसरी दून अल हाय, लेकिन अक्सर जो इस्तेमाल इस सहाबा का होता है लफ्ज सहाबा का वो कसरा के साथ होता है, जब बगैर हा के यानी आखिर के अंदर जो ता हा की सूरत में होती है इसके बगैर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कसरा के साथ इस्तेमाल होता है, यानी सिहाब अगर बगैर हा आखिर वाली जो गोल हा इसको इस्तेमाल किए बगैर सिहाब लफ्ज पढ़ेंगे जो इसका इस्तेमाल कसरा के स्वाद स्वाद के कसरा के साथ आएगा, सिहाब आएगा, सहाब नहीं आएगा। और अगर इसको हा के साथ पढ़ेंगे वह अल फतेह मा अल हा मा हा, अगर हा के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका स्वाद के फतह के साथ इसका इस्तेमाल होगा, यानी पूरी तहकीक की बात यह है अगर इसको स्वाद हा के साथ पढ़ेंगे सहाबा पढ़ेंगे स्वाद के फतह के साथ पढ़ेंगे, अगर हा गिरा देंगे सहाब पढ़ेंगे तो फिर सहाब नहीं होगा सिहाब होगा। ये तहकीक की बात ये की है इस मुसन्निफ ने लिसानुल अरब के। पर इसके साथ ये भी है कि एक इमाम है इमाम फरा है जिसने कसरा के साथ भी हा के साथ इस्तेमाल किया है, यानी सिर्फ एक इमाम फरा है जिन्होंने सिहाबा पढ़ा है, बाकी जितने भी उलमा है सब के नजदीक हा के साथ जब इसका इस्तेमाल होगा तो सहाबा होगा सिहाबा नहीं होगा, जो कि मिर्जा की तहकीक के सराहतन उल्ट है। और इसी तरीके से एक और हवाला भी हम आपके सामने रखते हैं, इब्ने असीर की एक किताब है अशाफी जो मुसन्नफ जो मुसनद शाफी की शरह है अशाफी, इस शाफी अशाफी जो किताब है इसके अंदर भी एक जगह पर इसी लफ्ज की तहकीक करते हुए मुसन्नफ ने यह कहा है कि इसके ऊपर इजमा है कि ये स्वाद के फतह के साथ यानी ये स्वाद के फतह के साथ सहाबा है सहाबा बिल फतह और कसरा के साथ नहीं है, लिकसरा वाला तलफ़ुज़ ही इस मुसन्निफ ने नहीं बयान किया। तो ये दो हवाले तो हमने आपके सामने बयान कर दिए। अब इंजीनियर इंजीनियर के जितने भी फॉलोवर हैं इसके शागिर्द हैं सब के ऊपर ये बात लाजिम आती है, ये जो नई तहकीक इसने पेश की है
इस तहकीक के ऊपर कोई एक हवाला बयान कर दे, और हवाला इसी तरीके से होना चाहिए कि सहाबा जो लफ्ज है ये स्वाद के कसरा के साथ बिल कसरा है, बिल फतन नहीं है। ये इस तरह का कोई हवाला ये बयान कर दे, वरना अपने इस कॉल से रुजू रिकॉर्ड करवाए।